दोस्तों आपने कभी न कभी तो ये जरूर गौर किया होगा कि अस्पताल में पर्दों का रंग हरा क्यों होता है, साथ ही कर्मचारियों के कपड़ों का रंग और मास्क भी हरे रंग का होता है, जिसे देखकर आपके मन में एक सवाल आया होगा कि आखिर कर्मचारी इसे हॉस्पिटल में क्यों पहनते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि जब भी हम किसी एक रंग को लगातार देखते हैं तो हमारी आंखों में अजीब सी थकान आने लगती है। आपने कभी भी इस विषय पर गौर तो अवश्य किया होगा कि कुछ इसी तरह जब भी सूरज या दूसरी किसी चमकदार चीज़ को देखकर हमारी आंखें चौंधिया जाती है, और इसके तुरंत बाद ही जब भी हम किसी हरे रंग या किसी हरे पेड़ पौधों को देखते हैं तो उसके बाद तुरंत ही हमारी आंखों को सुकून मिलता है। दोस्तों अगर वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो हमारी आंखों का जैविक निर्माण कुछ इस तरह से हुआ है कि ये मुख्यतः लाल, नीला और हरा रंग देखने के लिए सक्षम है। इन तीन रंगों के मिश्रण से बने अन्य करोड़ों रंगों को इंसानी आंखें आसानी से पहचान सकती है, लेकिन इन सब रंगों की तुलना में हमारी आंखें हरे रंग को काफ़ी अच्छे से देख पाती है। दोस्तों रंगों की भौतिकी के बारे में बात की जाए तो इससे ये पता चलता है कि इस ब्रह्मांड में पाए जाने वाले रंगों की अपनी खुद की एक वेवलेंथ होती है। दोस्तों लाइट के स्पेक्ट्रम में हम जानते हैं कि लाइट की वेवलेंथ में पहले छोर पर लाल रंग होता है, जबकि आखिरी छोर पर नीला रंग होता है, जबकि लाइट के वेवलेंथ में हरे रंग की जगह बीच में होती है। इसी वजह से हरा रंग हमारी आंखों को नहीं चुभता है, जितना कि लाल और नीला रंग हमारी आंखों को चुभता है, और इसी के कारण हरे रंग को हमारी आंखों के लिए अच्छा माना जाता है। यही वजह है कि अस्पतालों में कर्मचारी हरे रंग के कपड़े, पर्दे और मास्क लगाते हैं ताकि अस्पताल में आने वाले मरीजों की आंखों को आराम मिल सके। तो दोस्तों अब आप जान गए होंगे कि अस्पताल में हरे रंग के कपड़े, मास्क और पर्दे क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।